नमस्कार, आपका स्वागत है पत्रिका न्यूज में। मैं हूँ चेतना, आई डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सेना भर्ती से लौट रहे युवकों ने ट्रेन में मचाया उत्पाद, युवतियों से की छेड़छाड़। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर छात्रा से रेप। पांच स्कूली वाहन और दो यात्री बसें जब्त। झुका हुआ तिरंगा, आरक्षक निलंबित। सिख समाज ने दूसरे दिन भी निकाली रैली। अब खबर विस्तार से। गुना में सेना भर्ती से लौट रहे युवकों ने इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और गालियां देकर यात्रियों की बोगियों में हंगामा कर दिया। रिजर्वेशन बोगियों में चढ़कर इन युवकों ने सिपरी से ग्वालियर तक ट्रेन को 30 बार चेन पुलिंग कर रोका। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी भर्ती के बाद ट्रेन में उपद्रव रोकने के लिए रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। यात्रियों ने अपनी जान बचाकर कैसे भी युवकों से पीछा छुड़ाया। ट्रेन के आने से पहले ही कंट्रोल के माध्यम से आरपीएफ और जीआरपी को मैसेज देकर बताया दिया गया था कि ट्रेन में भर्ती से लौट रहे युवक उपद्रव कर रहे हैं। इसको देखते हुए मौके पर आरपीएफ, जीआरपी, टीआई सहित सहायक कमांडेंट भी मौके पर डटे रहे। छात्रा को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दी कि अगर उसके दोस्तों के साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वीडियो को वायरल कर देगा। ब्लैकमेलर डराकर छात्रा से पैसे भी ऐंठता रहा। करीब 4 महीने तक उसने सिकंजे में फंसी छात्रा की सहन शक्ति खत्म हो गई तो उसने पुलिस को घटना बताई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया हजीरा निवासी छात्रा से देवंगा, आगरा निवासी मलखान राजपूत की रिश्तेदारी है, इसलिए मलखान अक्सर उसके यहाँ आया करता। 11 अगस्त को मलखान छात्रा को पार्टी देने के बहाने एक नीरज होटल ले गया। वहाँ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान मलखान ने वीडियो भी बनाया। कुछ दिन बाद मलखान ने छात्रा से पैसे ऐंठना शुरू किए, फिर दबाव बनाया दोस्तों के साथ भी संबंध बनाए, नहीं तो वीडियो सोशल साइट पर अपलोड कर देगा। शादी का झांसा देकर डॉक्टर ने किया दुष्कर्म। युवती को शादी का झांसा देकर पिटामरा कॉलोनी दतिया निवासी डॉक्टर समित समाधिया ने उससे साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया 2012 में उपचार के लिए जेएच गई थी, तब डॉक्टर अमित से मुलाकात हुई। उन्होंने मोबाइल नंबर मांग लिया, दोनों में बातचीत होने लगी। नवम्बर 2012 में अमित गांधीनगर में पिताम्बरा अपार्टमेंट फ्लैट में लेकर गया, वहां जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा, साथ ही उसे धमकी भी दी। जब उसने शादी नहीं की तब अमित और उसके दोस्त संदीप सिंह पर एफआईआर कराई। 11वीं की छात्रा मोनिका जायसवाल के किले से कूदकर सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने उसके पड़ोसी शिवम गौड़ को जिम्मेदार माना है। शिवम पर धारा 305 के तहत एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन मोनिका के परिजन पुलिस की थ्योरी को मनगढ़ंत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मोनिका की मौत का असली जिम्मेदार उसकी कोचिंग का सहपाठी है, जिसके साथ 11 नवंबर को मोनिका आखिरी बार किले पर थी। मनीष जायसवाल निवासी लक्ष्मण तलैया खाना पीना छोड़कर फूलबाग चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। देर रात पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर धरना खत्म कर। मनीष का कहना है बहन के सुसाइड केस में पुलिस ने शुरू से लापरवाही की है, अब असली आरोपी को बचाकर शिवम पर एफआईआर दर्ज कर मामला खत्म करने की कोशिश में है। जबकि पुलिस को भी पता है मोनिका के साथ आखिरी वक्त में उसका सहपाठी था। शिवम तो करीब 2 घंटे उससे मुलाकात कर लौट चुका था, फिर भी पुलिस असली बात को छिपा रही है। जीएसटी के लिए रिटर्न जमा करने वाले कारोबारी और कर सलाहकारों के लिए जीएसटी एन नेटवर्क परेशान बनता जा रहा है। GSTR1 के लिए 10 जनवरी आखिरी तारीख थी, लेकिन नेटवर्क और सर्वर डाउन समस्या ने परेशान किया। GSTR1 रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर से 10 जनवरी कर दी गई थी। उस अवधि में भी अधिकांश कारोबारियों का रिटर्न दाखिल नहीं हो सका है।
जिन व्यापारियों ने जुलाई से नवंबर तक के GSTR 1 फाइल नहीं किए हैं उन पर 5 माह के रिटर्न की ₹50 प्रति रिटर्न के हिसाब से ₹250 रोज की लेट फीस लगेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत शहर के बाजारों की रैंकिंग में शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सबसे साफ बाजारों की रैंकिंग सूची तैयार हो चुकी है। इसके तहत मुरार में सदर बाजार, लश्कर, दक्षिण में टोपी बाजार और उपनगर ग्वालियर की सीमा में आने वाले डीडी मॉल को स्वच्छता रैंकिंग में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ये प्रतियोगिता बाजारों में स्वच्छता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और दुकानदारों को जागरूक कर ग्राहकों को संक्रमण मुक्त माहौल मुहैया कराने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा की गई रैंकिंग सूची पर शहर के कई बाजारों का सर्वे किया गया, जिसमें बाजारों में टॉयलेट महिला और पुरुषों के लिए पानी, सफाई, विद्युत, साइन बोर्ड, एरो बोर्ड आदि पर सर्वे किया गया। ये रैंकिंग में ए, बी और सी स्तर की ग्रेडिंग कर बाजारों का वर्गीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य गौ सेवक संघ की जिला इकाई द्वारा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित गौ सेवकों ने यह आंदोलन तब तक जारी रखने का निश्चय किया है जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। गौ सेवक संघ जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह भदौरिया ने बताया, गौ सेवकों की प्रमुख मांग पंचायत स्तर पर नियुक्ति और मानदेय दिए जाने की है। इसके अलावा पशुपालन विभाग में होने वाली ABFO की भर्ती में गौ सेवकों को 50% आरक्षण का प्रावधान किए जाने और आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग भी शामिल है। आंदोलन में गौ सेवक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी देवेंद्र दीक्षित, जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह भदौरिया, अजब सिंह यादव, सुभाष श्रीवास्तव, राम अवतार सिंह यादव, धीरज यादव, रामजी लाल राठौर, राजीव शर्मा, भोगी राम गौर, वासुदेव पाल, पवन सिरोठिया, कौशल किशोर यादव, राकेश ओझा शामिल हैं। भिंड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी डिवीजन के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री TR शाक्य के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। उन पर लगभग 18 लाख रुपए का फर्जी भुगतान ठेकेदारों को करके शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। अधीक्षण अभियंता PHE परियोजना मंडल चंबल संभाग मुरैना में शाक्य का आरोप पत्र जारी किया है तथा इस घपले में शामिल विभाग के दोषी कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह आर्थिक अनियमितता और फर्जीवाड़ा 23 सितंबर 2013 से 11 मई 2015 के दरमियान अब आरोपी कार्यपालन यंत्री TR शाक्य भिंड PHE के भिंड डिवीजन में तैनात थे। आरोप है कि शाक्य ने हेडपंपों के भरे पटे नलकूपों की सफाई कार्य हेतु विधिवत समाचार पत्रों में निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित कराए बगैर संक्षिप्त निविदाओं के आधार पर 8 अनुबंध कार्यदेश संपादित किए तथा कार्यों की माप पुस्तिका में अंकित कूट रचित माप और देयकों का कुल 17,79,040 रुपए का अनियमित भुगतान करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता कर दी है। ग्वालियर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक के पिछले चारों पहिए 5वीं बटालियन गेट के सामने निकल गए। ट्रक से निकले पहिए डिवाइडर पर चढ़ गए, हालांकि इस दौरान से कोई घटना नहीं हुई है। बीच सड़क पर ट्रक पसर जाने से जाम के हालात बन गए। हालांकि समय पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्वालियर की ओर जाने वाले यातायात को सर्विस लेन से डाइवर्ट करके खराब ट्रक को क्रेन बुलवा कर हटवाने की कवायद शुरू की। 7 बजे के बाद ट्रक को हटाया जा सका। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक MP06E6771 ग्वालियर की ओर जा रहा था, तभी शाम करीब 6 बजे उसके पहिए निकल गए, जिससे करीब 1.5 घंटे यातायात प्रभावित रहा। ट्रक से कुचलकर एक महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे पर 3 घंटे जाम लगाया। महिला के परिजन का आरोप था कि हाईवे पर चेकिंग कर रही क्षेत्रीय परिवहन विभाग की टीम के एक सदस्य ने डंडा मारा था, जिसकी चोट से महिला बाइक से गिरी और पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे आ गई। गोरमी भिंड निवासी कुसुम गुर्जर यहां पछोखरा गांव में अपनी बहन के घर आई थी। गुरुवार को दोपहर कुसुम की बहन का पुत्र हरेंद्र उसे बाइक पर बिठाकर मुरैना बस स्टैंड छोड़ने आ रहा था।
रास्ते में एसआरडी कॉलेज के सामने महिला बाइक से नीचे गिरी और पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक के ए 53B3200 के नीचे आ गई। ट्रक का पहिया कुसुम के सिर पर चढ़ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तत्काल घटना स्थल पर जमा हुई भीड़ ने जाम लगा दिया। बाइक चलाकर ला रहे हरेंद्र गुर्जर ने बताया कि एसआरडी कॉलेज के सामने आरटीओ का उड़न दस्ता चेकिंग कर रहा था। उसके सदस्यों ने एक ट्रक को रोकने के लिए डंडा चलाया लेकिन ट्रक निकल चुका था, इसलिए डंडा हरेंद्र के साथ बाइक पर बैठी कुसुम को लगा और वह नीचे गिर पड़ी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस हादसे के लिए आरटीओ विभाग के उड़न दस्ते में शामिल लोगों को दोषी ठहरा रहे लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर सिविल लाइंस टीआई अजय चान्ना, कोतवाली टीआई योगेंद्र सिंह जादौन और थाना स्टेशन रोड टीआई प्रवीण त्रिपाठी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद एसडीएम प्रदीप तोमर भी वहां पहुंचे और लोगों को समझा कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। लाला की ताल के पास कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने को लेकर गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के साथ रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। रैली की शुरुआत लाला के ताल से हुई और कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान प्रशासन और नगरपालिका के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कटारे को ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका द्वारा रिंग रोड निर्माण के लिए तोड़ी जा रही है। तोड़े जाने की वजह से लाला के ताल के पास कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। ज्ञापन पूर्व विधायक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में नहर सिंह यादव, मुरारी लाल गुप्ता, खुमान सिंह बेचैन, पातिराम फौजी, पंजाब सिंह यादव, अंकित पटेल, अभिषेक तिवारी आदि शामिल हुए। इंदौर में हुई स्कूल बस दुर्घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। गुरुवार को आरटीओ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत स्कूली वाहन और यात्री बसों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान उनके द्वारा 5 स्कूली वाहन और 2 यात्री बसों को जब्त कर थाना में रखवाया गया है। कुछ स्कूली वाहन को ट्रैक्टर से खिंचवा कर पुलिस थाना में रखने की कार्रवाई की है। आरटीओ की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। गुरुवार को आरटीओ रवि बरेलिया ने इंदौर में हुई स्कूल बस दुर्घटना को लेकर पुराने स्कूली वाहन और सवारी बसों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान उनके द्वारा नगर के खेरापति सरकार पब्लिक स्कूल के 5 स्कूली वाहन बगैर दस्तावेजों के होने पर और उनका कंडम हालत होने पर उन्हें स्कूल परिसर में ही जब्त कर उनके स्टार्ट ना होने पर ट्रैक्टर से खिंचवा कर थाने में रखवाया गया। इसके अलावा 2 यात्री बसें बिना कागज और फिटनेस के होने पर उनको भी जब्त किया गया, जिन्हें सिविल लाइन थाना में रखवाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना भर्ती से लौट रहे युवकों ने ट्रेन में मचाया उत्पाद, युवतियों से की छेड़छाड़। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर छात्रा से रेप। पांच स्कूली वाहन और 2 यात्री बसें जब्त। झुका हुआ तिरंगा, आरक्षक निलंबित। सिख समाज ने दूसरे दिन भी निकाली रैली। कल फिर मिलेंगे इस चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।